नमस्कार दोस्तों, जब भी किसी ड्राइवर को ओला उबर में या फिर रैपिडो इंड्रा या इस तरह की ऑनलाइन टैक्सी के लिए गाड़ी चलाने के लिए चाहिए रहती है तो वो लोग गाड़ी भाड़े पे लेते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं। एक तो आजकल आपने सुना मार्केट में बहुत सारे लीज की गाड़ी आ गई है, जैसे कि अंकित मेहता, मूव इंडिया, एवरेस्ट, इस तरह की लीज की गाड़ियाँ मिलती है जो कि आपको एक अमाउंट फिक्स करती है और उस अमाउंट पे आपको डेली का डेली या 50-50 या फिर रेंट पे अलग तरीके से गाड़ियाँ मिलती है आपको। कुछ एक लोग होते हैं जो लोग के पास दो चार गाड़ी होती है, वो लोग ड्राइवर रख के गाड़ी चलवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक गाड़ी पे दो ड्राइवर रखते हैं, डे का ड्राइवर अलग और नाइट का ड्राइवर अलग, अलग अलग से पैसे लेते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं कि गाड़ी दे देते हैं किसी ड्राइवर को और फिक्स बोलते हैं कि डेली का मुझे 500, 600 या 700 या जैसे गाड़ी की मॉडल है, अगर गाड़ी नई है तो उसका पैसा ज़्यादा होगा और मॉडल पुराना है तो उसका पैसे कम होंगे। या फिर ऐसा होता है कि 50-50, यानी कि गाड़ी मालिक गाड़ी दे देता है ड्राइवर को और जो भी कमाई होती है उसमें CNG भरने के बाद जो पैसा बचता है वो आधा पैसा गाड़ी मालिक लेता है, आधा पैसा ड्राइवर लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको दो अलग अलग जगह गाड़ी मिलती है। एक है वेंडर लोग की गाड़ी जिसके पास 200, 400, 500 या किसी के पास तो 1000, 5000 गाड़ियाँ हैं, जैसे कि एवरेस्ट, अंकित मेहता, मूव इंडिया, वो बड़े बिग शॉट होते हैं, उनकी बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं और वो लोग के पास हज़ारों ड्राइवर रहते हैं। और छोटे मोटे लोग होते हैं जिनका दो चार गाड़ी होती है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप एक ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी लेना है, तो आप गाड़ी किससे लेना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, उसमें क्या नियम होते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा वादा है आपसे, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये डिसीजन लेने के लिए, ये फैसला लेने के लिए कि आप ड्राइवर के लिए कौन सी गाड़ी अच्छा होगा, चाहे वो वेंडर की गाड़ी हो या फिर एक आम आदमी गाड़ी हो जिसके पास दो चार गाड़ी हो। ठीक है दोस्तों, फ़ायदा तो इसमें यही सबसे बड़ा नज़र आता है मुझे, जो बड़े बड़े वेंडर होते हैं, एवरेस्ट, मो इंडिया, अंकित मेहता, इन लोगों के पास फ़ायदा ये है कि जब इनके पास गाड़ी लेते हैं आप, तो ये जो आपकी आईडी बनाते हैं वो आईडी जल्दी बंद नहीं होती है। मैंने कई ड्राइवर लोग से बातचीत किया है, तो ये जो बड़े बड़े वेंडर की गाड़ियाँ होती है इसमें ड्राइवर की आईडी बहुत सुरक्षित रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई ओला उबर का ड्राइवर है या किसी और अन्य प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है और अगर वो छोटी मोटी गलती हो जाए ड्राइवर से, यानी कि किसी दो चार लोगों से पैसा ज़्यादा ले लिया, ऐसा कस्टमर कंप्लेंट कर दे या फिर आपने बहुत सारी बुकिंग कैंसिल कर दी या किसी कस्टमर से थोड़ा बातावाती हो गया या इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर भी ये ओला उबर या दूसरी बड़ी कंपनियाँ आपकी आईडी को बंद कर देती हैं। अगर आप ये बड़े बड़े वेंडर से गाड़ी लेते हैं, एवरेस्ट, मूव इंडिया, अंकित मेहता जैसे बड़े बिग शॉट से, आपकी आईडी जल्दी बंद नहीं होती है, चाहे आप कितनी भी गलती कर ले। कितनी बड़ी गलती मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा क्राइम कर ले, अगर बहुत बड़ा क्राइम हो गया जैसे किसी से मारामारी हो गई बहुत सीरियस या बहुत बड़ा कोई किसी लड़की का कोई कांड हो गया, तो ही ये लीज की गाड़ियाँ में आपका आईडी बंद होगा, नहीं तो बंद लगभग ना के बराबर होगा। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी कस्टमर से ड्राइवर का झगड़ा भी हो गया, मारपीट भी हो गया है, तो भी ये ओला उबर की आईडी बंद नहीं होती है इस बड़े बड़े वेंडर के पास। लेकिन वहीं पर जहाँ पर छोटा मोटा मालिक है जिसके पास दो चार गाड़ियाँ हैं उसके पास अगर काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी छोटी छोटी बात के लिए आपकी आईडी बंद कर दी जाती है। ज़्यादातर मामले में गाड़ी आपके पास ही रहती है 24 घंटा, आपको गाड़ी चलाना है, लॉगिन करना है, और इसमें पाबंदी भी होती है कि आपका जो एरिया है उस एरिया में ही आप गाड़ी चलाना है, क्योंकि गाड़ियों में GPS लगा होता है, ट्रैकर लगा होता है, तो आपका एरिया फिक्स कर दिया जाता है, तो आप उस एरिया से गाड़ी बाहर लेके जा नहीं सकते हैं, आपको उस एरिया में गाड़ी चलाना है। प्लस आपका किलोमीटर फिक्स होता है कि महीने का आपका 5000, 5500 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर उतना गाड़ी चलाना है। अगर आप उससे ज़्यादा किलोमीटर क्रॉस कर लिया तो आपको पर किलोमीटर के 8-10 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो दो चार गाड़ी के मालिक होते हैं वो लोग पास ऐसा कोई पाबंदी नहीं होता है, ज़्यादातर लोग GPS नहीं लगाते हैं और उन लोग का आपका एरिया को फिक्स पाबंदी नहीं होता कि आपको इसी एरिया में गाड़ी चलाना है। अगर आपका पर्सनल भाड़ा है तो आप पर्सनल भाड़ा लेके आप मुंबई से बाहर जा सकते हैं या महाराष्ट्र राज्य से बाहर जा सकते हैं, किलोमीटर का फिक्स नहीं है, आप जितनी किलोमीटर गाड़ी चलाएं कोई पूछेगा नहीं आपको इतनी गाड़ी के किलोमीटर क्यों चल गई। क्योंकि ये जो छोटे मोटे वेंडर होते हैं, दो चार गाड़ी के मालिक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि आपका अमाउंट फिक्स कर देते हैं, डेली का 600-700 रुपया अमाउंट आपको देना ही पड़ता है, महीने का 15000-18000 आपसे लेता है, आपको गाड़ी दे देता है, 24 घंटा गाड़ी आपके पास रहेगी, आप जितना चलाना चाहे उतना चलाएं। जब ऐसा भी होता है कि जो होता है 50-50, जैसा मैंने बताया आपको कि 50-50 जिसमें जो भी कमाई होगी वो गैस भरने के बाद गाड़ी मालिक का आधा और आधा आपका,
लेकिन 50-50 का ये जो काम है वो आपको बड़े बड़े वेंडर में नहीं मिलेगा। ये एवरेज मूव इंडिया लोग नहीं देते हैं, ये लोग आपको पर डे पर देते हैं, बचत पर देते हैं 700-800-900 रुपया या 1000 रुपया पर डे, जैसे कैटेगरी वैसा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बड़े बड़े वेंडर होते हैं एवरेस्ट मूव इंडिया जैसे लोगों का, इनकी हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, जो आपको एरिया दिया गया है कि आपको इस एरिया के अंदर गाड़ी चलाना है। जैसे आप एरिया क्रॉस करते हैं तो आपकी गाड़ी को तुरंत लॉक कर देते हैं, आपकी गाड़ी वहां से आगे बढ़ नहीं पाएगी, आपका गाड़ी वहीं लॉक हो जाएगा। फिर आप इनको फ़ोन करते रहो कि सर, रिक्वेस्ट करते रहो कि सर मेरा गाड़ी लॉक हो गया, प्लीज़ खोल दो, तो ये वार्निंग के साथ या जो एक उनका तरीका होता है रूल के हिसाब से बाद में आपकी आईडी को, आपके गाड़ी के लॉक को खोलते हैं। इसके अलावा इसमें पेमेंट सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि 2-4 महीने में आप कभी 2-4 दिन के लिए बीमार पड़ जाओ। तो ये बड़े बड़े वेंडर होते हैं ये एवरेस्ट मूव इंडिया या अंकित मेहता जैसे लोग, वो लोग आपके तकलीफ नहीं समझते हैं। उन्होंने आपको गाड़ी दी है, उनको पर डे का पैसा चाहिए, भले आप बीमार हो या आप किसी पर्सनल काम से गाड़ी खड़ी रखें तो भी आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर छुट्टी लेना है तो पहले आप गाड़ी इनको जाके जमा करो, पेपर जमा करो, फिर आपको ये टाइम देंगे, वो हिसाब से गाड़ी जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप गाड़ी जमा करने के बाद आपको पैसे नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी आपके पास है और आप अचानक बीमार पड़ गए तो भले आप 5 दिन बैठो घर पे या 10 दिन बैठो, आपके पूरे पैसे जोड़ के लिए जाएंगे। और अगर आपने पेमेंट देने में लेट किया तो तुरंत आपको फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। इनके जो सुपरवाइज़र होता है, जो ऊपर लोग होते हैं, इनके काम ही यही है कि जैसे किसी का पैसा माइनस में चला गया वो तुरंत फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपका पैसा माइनस हो गया है, पैसा जमा करो। और जैसे ही अगर आपका आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपकी एक दो बार वार्निंग के बाद आपकी आईडी को लॉक कर दिया जाता है, या कभी कभी आपकी गाड़ी को भी लॉक कर दिया जाता है। तो इस पैसे मामले में ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल सुनवाई नहीं करते हैं, चाहे आपका कितना तकलीफ है आपका तकलीफ समझेंगे नहीं। लेकिन वही दूसरी ओर जो छोटे मोटे वेंडर होते हैं जिनके पास 2-4 गाड़ियाँ होती है, वो लोग में जरा इंसानियत होता है ज़्यादा। अगर उनको आप अपना तकलीफ बताएंगे कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं 2-4 दिन गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो कई मामले में आपसे पैसा नहीं लेंगे और आपका पैसा माफ़ भी कर देते हैं। या अगर पैसा लेंगे तो बोलेंगे ठीक है भाई बाद में कमा के दे देना, अभी तकलीफ है तो आराम करो, जब ठीक हो जाओगे तब बाद में पैसा दे देना। वो कभी आपकी गाड़ी को जल्दी लॉक नहीं करते हैं या आपके आईडी को लॉक नहीं करवाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो लोग सोचते हैं यार ये भी एक गरीब इंसान है, ड्राइवर आदमी है, कमा कर खा रहा है, इसको क्या परेशान करना, ये ऑलरेडी परेशान है। उसमें इंसानियत ज़्यादा होती है और आपके तकलीफ को समझते हैं वो लोग। जहाँ तक बात है गाड़ी के रख रखाव का, गाड़ी का पेपर का, गाड़ी का मेंटेनेंस का, इस मामले में जो बड़े बड़े वेंडर होते हैं जिनके पास 1000-2000 गाड़ियाँ 5000 गाड़ियाँ हैं, जैसे अंकित मेहता, मूव इंडिया या एवरेस्ट, ऐसे लोग क्या करते हैं, आपकी गाड़ी का जो भी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत बुलाएंगे, उसका रिपेयरिंग करा देंगे। आपकी गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट कमी है वो तुरंत आपका अपडेट करा देंगे। उसमें वो लोग लेट नहीं करते हैं कि उनको पता है कि अगर इस तरह से अगर कुछ लेट हुआ, फाइन लगेगा, तो उनका ही नुकसान है। जो गाड़ी का पेपर बनाना है, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, जो भी अलग परमिट वगैरह होता है, सबको वो लोग ठीक से टाइम पे पूरा करते हैं। पर जो छोटे मोटे वेंडर होते हैं जिसके 2-4 गाड़ियाँ हैं, वो लोग कई बार गाड़ी का पेपर बनाने में लेट करते हैं, बोलते हैं यार थोड़ा पैसा नहीं है, थोड़ा चला 2-4 दिन चला लो, रोड टैक्स बराबर टाइम पर भरते नहीं। कई बार कुछ लोग अच्छे होते हैं जो सब टाइम पे अपना पेपर बनाते हैं और गाड़ी का मेंटेनेंस भी बराबर करते हैं, गाड़ी का कुछ ख़राब हुआ तुरंत बनवाने के लिए बोलते हैं। पर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग गाड़ी का पेपर टाइम पे बनाते नहीं हैं, गाड़ी में कुछ मिस्टेक हो गया, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी बोलेंगे 2-4 दिन 5 दिन चला लो, पैसा नहीं है अभी, रिपेयरिंग नहीं होता है। कई बार गाड़ी का पेपर ओके नहीं होता तो आपको थोड़ा डर डर के गाड़ी चलाना पड़ता है, तो छुपी गाड़ी चलाना पड़ता है। ये एक फ़र्क है। बाकी अगर आप गाड़ी कहीं भी लेते हैं तो आपको दोनों जगह पर आपका गाड़ी का जो भी टायर पंचर हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने बड़ी बड़ी वेंडर की गाड़ी, लीज की गाड़ियाँ ली, तो आपको केवल एक ही कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप ओला के लीज पे गाड़ी लेते हैं तो ओला का ही चला सकते हैं। अगर आप ऊबर की लीज पे लेते हैं तो ऊबर की गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल भाड़ा नहीं मार सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो छोटा वेंडर होता है, 1-2 गाड़ी का मालिक होता है या 2-4 गाड़ी का मालिक होता है, जिनके साथ आपने बात किए 50-50 पे या 500-800 जो भी अमाउंट आपने डन किया है, उसके साथ काम करने का फ़ायदा ये है कि आप एक साथ ओला, उबर, इनड्राइव, मेरू या रैपिडो कोई भी कंपनी के लिए काम करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका कहना ये है कि बस जो भी हिसाब बना है, जो बात हुआ है, उस हिसाब से आप उसको पैसे देते रहें। आप भले प्राइवेट भाड़ा मारें, आप दिन भर बैठे रहें, या आप जैसा भी काम करें, उनको उससे मतलब नहीं रहता है। वो आपको कभी टोकते नहीं, आपने कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया पूछते नहीं हैं, उनको उनके पैसे से मतलब रहता है। ये बड़े बड़े वेंडर होते हैं एवरेज मूव इंडिया लोग, ये लोग कभी कभी फ़ोन करके पूछते भी हैं कि भाई आपका गाड़ी बहुत टाइम से लॉग आउट है, क्यों नहीं लॉग इन कर रहे हो, तो आपको जवाब देना पड़ता है कि भाई खाना खा रहा हूँ, या कहीं कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया, या कहीं बाहर आराम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, इस तरह बोलना पड़ता है आपको। तो ये बार बार आपका ध्यान रखते हैं कि और अगर ज़्यादा टाइम आपने लॉग आउट किया तो आप पे तुरंत फ़ोन किया जाता है और आपकी इंक्वायरी की जाती है। क्योंकि इन लोग बड़े बड़े वेंडर का क्या होता है कि इनको
वीकली टारगेट होता है कि अगर आपने कि अगर ड्राइवर ने उस गाड़ी पर हफ्ते का 70 ट्रिप मारा तो उसको अलग से इंसेंटिव मिलता है, अगर ड्राइवर ने हफ्ते का 80 ट्रिप 100 ट्रिप मारा तो उसको अलग से इंसेंटिव मिलता है। तो ये सब इंसेंटिव उस बड़े बड़े वेंडर का फ़ायदा होता है, इसलिए वो लोग ध्यान देते हैं कि ड्राइवर कम से कम हफ्ते का 70-80 ट्रिप 90 ट्रिप ज़रूर मारे। वहीं दूसरी ओर छोटे मोटे वेंडर एक दो गाड़ी के मालिक वो आपको कभी पूछते नहीं कि आपने कितना ट्रिप मारा, कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, कितनी कमाई हुई, आप पर्सनल भाड़ा मार रहे हो कि दिन में आराम कर रहे हो, उनको कोई लेन देना नहीं है। उनको मतलब होता है कि भाई आपने जो बात किया है डेली का 600-700-800 या जो 50-50 बात है वो हिसाब से आप काम करते रहो, उनको पैसा देते रहो। आजकल जो बड़े बड़े वेंडर कंपनियां हैं जैसे कि मूव इंडिया, एवरेस्ट या अंकित मेहता, ये लोग ने नया नया स्कीम निकाला है कि हर कोई ड्राइवर इनके पास गाड़ी चला है 3 साल या 4 साल का एग्रीमेंट करते हैं और बराबर पेमेंट दे, उनका अमाउंट फिक्स किया जाता है 800-900 रुपये ऐसा कुछ अमाउंट होता है। अगर 3 साल 4 साल गाड़ी चलाता है तो जो गाड़ी होती है वो ड्राइवर के नाम पे कर दी जाती है। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर से मेरी बात हुई है जो इनके लिए काम करते हैं, उन्होंने बताया कि शुरुआत में 6 महीना साल भर तो लोग ठीक से गाड़ी देते हैं, उनके साथ बराबर इनका अच्छा संबंध रहता है। लेकिन जैसे ही इन कंपनी के लोगों को पता चलता है कि ये ड्राइवर 3 साल का पीरियड या 4 साल पीरियड जो बात हुआ है वो पूरा कर लेगा, तो उससे पहले ये लोग ड्राइवर को सताना शुरू कर देते हैं, कभी किसी दूसरे कारण से, कभी किसी दूसरे कारण से उसकी आईडी बंद कर देते हैं ताकि ड्राइवर परेशान होकर खुद ही अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दे। कि अगर कंपनी ने एग्रीमेंट कैंसिल किया तो कंपनी को पैसा भर के देना पड़ेगा, और ड्राइवर ने खुद ही एग्रीमेंट कैंसिल करके छोड़ के चला गया तो गाड़ी ड्राइवर के नाम पर नहीं होगी, उस पर ड्राइवर का बहुत नुकसान होगा। तो इस तरह से बहुत ड्राइवर को सताया जाता है। तो शायद ही कोई ड्राइवर होगा जिन लोगों को गाड़ी 3 साल 4 साल काम करने के बाद गाड़ी मिली है, बाकी ज़्यादातर ड्राइवर लोगों ने 2-3 साल या उससे पहले ही गाड़ी काम करके बीच में छोड़ के चले गए परेशान होकर, तो इस तरह का भी बात सुनने में आया है। वहीं दूसरी ओर जो एक दो गाड़ी के मालिक होते हैं वो लोग इस तरह के कभी बात करते ही नहीं है, उनका ऐसा सीधा बोलना है हम गाड़ी देंगे 50-50 पे या जो भी बात किया है 12 घंटा पे 500-600 या जो भी अमाउंट फिक्स किया जाता है उस पर आपको काम करना है। अगर आप पैसा जमा करो जो गाड़ी का कीमत होगा 2-3 लाख जो अमाउंट बनता है एक साथ पे करो गाड़ी लेके जाओ, वो लोग इस तरह की स्कीम देते नहीं कि डेली 800 रुपये दो 700 रुपये दो बाद में गाड़ी आपके नाम पे होगी, तो उस तरह के लोग चीटिंग काम नहीं करते हैं। इसके अलावा ये भी एक फ़र्क है कि अगर आप ये जो बड़े बड़े वेंडर के काम करते हैं अंकित मेहता, मूव इंडिया, एवरेस्ट के पास अगर आपने 5 साल भी काम किया तो भी अगर आपको कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, आपने इनको बोला कि मुझे 10,000-20,000 एडवांस चाहिए तो आपको 1 रुपये एडवांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये आप छोटे मोटे वेंडर जिसके पास 2-4 गाड़ियाँ हैं उनके पास अगर आप 6 महीना साल भर 2 साल काम करते हैं, विश्वास बना लेते हैं, उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि आदमी चीटिंग नहीं करेगा, भागेगा नहीं मुझे छोड़कर कहीं भी, तो आपको ज़रूरत पड़ने पर 10-20,000 रुपये आपको एडवांस भी देता है, और बाद में जब आप कमाते हो तो एक धीरे धीरे वो पैसा अमाउंट एडवांस आप चुका देते हो। इस तरह के बहुत सारे फ़र्क है ये बड़े बड़े कंपनी में जिनके पास 4,000-5,000 गाड़ियाँ हैं और जो छोटे मोटे वेंडर होते हैं जिसके पास 2-4 गाड़ियाँ हैं। तो ये फैसला आपका है कि आपको किसके पास काम करना है, किस पास आपको फ़ायदा है, किस पास नुकसान है, दोनों में कुछ माइनस प्लस दोनों में है, दोनों में कुछ फ़ायदा नुकसान दोनों में है। और दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कुछ जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपके एक लाइक करने से हमारे को हिम्मत बढ़ती है। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के जवाब दूंगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।